हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगैन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी फिट और फाइन होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 से करने जा रहे हैं, यानी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, उसके बाद आप सभी बच्चे इसे बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में तो ये थोड़ा सा टफ लगता है कि एक्स वाई जेड ये क्या है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे ना बच्चों, तो बहुत ही ईजिली ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये एक्सरसाइज। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले एक्सरसाइज नहीं देखे है, चैप्टर 5 या फिर चैप्टर 8 9 के वीडियोस, तो फिर आप उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के ले सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सभी में बोला गया है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो मेन सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये आप जान लें कि कभी भी ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म है उन्हें ही ऐड किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो आइए आपको मैं मेन कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा काम आएगा इस चैप्टर में आपके। देखो होता क्या है बेटा, कि अगर हमें दिया हुआ हो 6 एप्पल और उनसे हमें कहा जाए कि 3 एप्पल्स माइनस कर दो, तो आप इजीली माइनस कर सकते हो कि आपके पास 6 एप्पल्स हैं, उसमें से आप 3 माइनस कर दोगे तो कितने एप्पल्स बचेंगे आपके पास? 3 एप्पल्स बच जाएंगे। ठीक, ये मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान समझिएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसी, देखो इसी एप्पल्स वगैरह को ही ना हम यहाँ पे एक्स वाई जेड या ABCD लिखते हैं, तो हम इसी को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? 6A-3A, तो उसका आंसर आ जाता है हमारा 3A। समझ में आया बात? यानी कि 6 एप्पल था, उसमें से 3 एप्पल्स हमने माइनस किया तो 3 एप्पल्स हमारे बच गए। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि आपके पास 6 एप्पल्स हैं और उनमें से आप माइनस कर दो 3 बनाना, तो ये क्या कभी सॉल्व हो सकता है क्या? आप एप्पल में से कभी बनाना माइनस कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से हम 6A में से कभी भी 3B माइनस नहीं कर सकते, ये यही तक इसका आंसर ही रहेगा। समझ में आया? यानी कि अगर ए और ए वाला है तो ही वो माइनस होगा, अगर ए और दूसरा वाला नंबर बी में है तो वो माइनस नहीं होगा। ये बेसिक रूल है, ये जरूर आप समझ लें यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में और उन्हें सॉल्व करते हैं। ये बस मेन आपको रूल में बताया कि इसी को हम लाइक टर्म कहते हैं। सेम सेम जो टर्म होते हैं ना उन्हें लाइक टर्म कहा जाता है, जो अलग अलग होते हैं उन्हें अनलाइक कहा जाता है। और आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट केवल लाइक टर्म ही होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अनलाइक टर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन ही समझिए। यहाँ पे सभी एक्स और यहाँ पे भी ये भी नंबर एक्स में ही है, ये भी एक्सप्रेशन, तो ये सभी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर कॉमा का साइन है वहाँ पे एडिशन का साइन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5x+7x, इस कॉमा की जगह में प्लस, लेकिन उसके बाद एक माइनस है तो माइनस वाले नंबर को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। मैंने हमेशा आपसे कहा है ना कि जब कभी भी प्लस और माइनस या फिर कोई भी दो साइन आपस में टकरा है तो दूसरे वाले साइन को आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 5x और 7x हो जाएगा हमारा। 5 और 7 कितना होता है? तो वही 5x और 7x भी होगा, तो 12x हो जाएगा। ये हमारा प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो हम यहाँ पे साइन माइनस का चेंज कर देंगे। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, ये आप इंटेजर वाले चैप्टर में सीख कर आए हैं। तो ये हमारा क्या है अंदर में? 6x। तो अब ये हो जाएगा हमारा 12x में से 6x माइनस होगा तो 6x, और यही इसका लास्ट आंसर कहला जाएगा। समझ में आया? तो बस इतना ही सा ईजी काम है कि बस आपको प्लस और माइनस करना है। बस ध्यान किसी चीज़ का रखना है कि लाइक टर्म हो, यानी कि सेम सेम टर्म हो उसमें। और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे थोड़े अनलाइक भी हो और जहाँ पे हमें फ्रैक्शन वाला दिया हो। तो चलिए आइए फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ले लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। यहाँ पे भी हमारे पास सभी लाइक टर्म्स ही हैं, बस ये जो है फ्रैक्शन वाले टर्म में है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमा वाली जगह में प्लस का साइन लगा लेंगे। तो ये लगा लेते हैं 3/4x² + 5x² + और ये फिर -3x² फिर प्लस, फिर से माइनस है हमारे पास तो -1/4x² ये हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या करें कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हटा दें, प्लस और माइनस, माइनस का साइन लगा करके इन ब्रैकेट्स को हटा दें। तो 3/4x² + 5x² - 3x² - 1/4x² इतना हो जाएगा। अब देखो हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पता ही है कि अगर फ्रैक्शन में प्लस और माइनस हो तो हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी आपको अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 4 है, इसके नीचे एक 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा। तो हम नीचे में सभी के लिख देंगे 4,
ठीक है। अब हम न्यूमरेटर ले लेते हैं कि न्यूमरेटर में क्या रहेगा। तो ये फोर से ये फोर डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो वन आएगा आंसर, और ऊपर में थ्री है तो वन का थ्री से मल्टीप्लाई हो तो थ्री ही रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दें, फोर इसके नीचे वाले वन से डिवाइड होगा तो फोर आ जाएगा आंसर, फोर जब वन से डिवाइड होगा तो फोर आ जाएगा, और उस फोर का फिर ऊपर वाले फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो फोर फाइव जा 20x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगाते हैं, इसके नीचे वन है, फोर वन से डिवाइड होगा तो फोर आ जाएगा, और फिर उस फोर का ऊपर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर थ्री जा 12x का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो आपने फ्रैक्शन में रूल यूज़ किया है ना प्लस माइनस का, बस वही रूल हमने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे ये फोर से कट हो जाएगा, आ जाएगा आंसर वन, वन के ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन ही रहेगा, तो माइनस वन एक्स का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। अब ऊपर जो न्यूमरेटर में हमारे पास, उन सभी को आप सॉल्व कीजिए, प्लस हो रहा है तो प्लस कीजिए, माइनस हो रहा है तो माइनस कीजिए, और आपका आंसर रेडी है। जैसे ये थ्री एक्स स्क्वायर में 20x² हम ऐड कर देंगे तो 23x² हो जाएगा, और यहाँ पे हम 12x, और ये भी माइनस में है तो आप चाहें तो यहाँ एक एक स्टेप करके माइनस करते जाएँ, या फिर माइनस माइनस प्लस कर दें डायरेक्ट, तो जो आपको ईजी लगे। मैं यहाँ ईजी मेथड यूज़ कर देता हूँ, एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, 12x² माइनस 1x², और नीचे में हमारे पास कितना है, फोर है, ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि प्लस में और ये माइनस में है, माइनस हो जाएगा, थ्री में से टू माइनस होगा तो वन, टू में से वन माइनस होगा तो वन, यानी कि 23 में से 12 माइनस होगा तो 11x² आ जाएगा, और माइनस 1x² है ही बचा हुआ, और नीचे में हमारे पास फोर है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये और कुछ होता है क्या, तो 11 में से वन भी माइनस होगा यहाँ पे, तो 11 में से वन माइनस हुआ तो 10x², और फिर नीचे में हमारे पास फोर बच गया। इज दैट क्लियर। अब क्या करना है आपको, कितना आंसर तो आपका आ गया बहुत ही आसानी से, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा नंबर कट हो रहा है क्योंकि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर कट होते तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसका लिखते हैं ना, लोवेस्ट टर्म जिसे कहते हैं हम, तो वो भी यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे अगर ये कट हो रहा है तो हम कट कर देंगे, जैसे टू से कट हो रहा है दोनों नंबर ना, तो टू फाइव जा 10 और टू टू जा 4, तो बच जाएगा हमारे पास 5/2, और ये एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे लिखिए या यहाँ पे लिखिए, दोनों आंसर बिल्कुल सही रहेंगे आपके। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर फाइंड करना है। बताया ना मैंने आपको, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, पूरा आपने पहले सीख चुका है, प्लस करना माइनस करना, फ्रैक्शन वाले नंबर का प्लस माइनस करना, बस यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऐसे नंबर के पास जाते हैं जहाँ पर लाइक टर्म भी हो और अनलाइक टर्म भी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे एक्स भी दिया हुआ है हमें, वाई भी दिया हुआ है और जेड भी दिया हुआ है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे, जहाँ पे प्लस का साइन लगने वाला है वहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो हो जाएगा एक्स माइनस 3y प्लस 4z। देखो प्लस का साइन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमसे शुरू में ही कहा गया था ऐड द फॉलोइंग, यानी कि इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे हम बीच में क्या साइन लगाते हैं, प्लस का ही लगाते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस 2x माइनस 8z, फिर प्लस 5x माइनस 2y माइनस 3z, ठीक है। इस तरीके से आपने सबका साइन लगा दिया हर जगह प्लस का। अब क्या करना है आपको कि जो कलेक्ट, जो हमारे लाइक टर्म है उनको एक साइड कलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे x वाला है ना, तो दूसरा x वाला कहाँ पे है, दूर में है, तीसरा x वाला और दूर में है, तो इन सभी x वाले को आप पास में आपको कर लेना है, यानी जब कभी भी अलग अलग टर्म हो तो उस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो लाइक टर्म्स हैं यानी सेम सेम वाले टर्म्स हैं, x x वाले जो है, y y वाले जो है, उनको एक साथ इकट्ठा करना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास x है, ये x हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कौन सा x है, ये वाला है जो कि माइनस में है, यहाँ पे हम माइनस 2x ही लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये 5x जो प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस 5x, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, तो देखते हैं वाई वाला कहाँ कहाँ पे है, एक तो ये है वाई वाला हमारा जो कि माइनस में है, तो माइनस 3y लिखा जाएगा, उसके बाद फिर ये वाई है प्लस में, तो प्लस वाई, और कहाँ वाई, तो एक ये रहा वाई, ये हो गया हमारा माइनस 2y, और हमेशा इसी तरीके से लाइन से ढूंढिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे वाई दिखा तो इसको ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाई दिखा इसको ले लेते हैं, और इसको भूल जाते हैं, तो ऐसा गलत कर, एकदम बिल्कुल गलत मेथड है। स्टार्टिंग से ही आपकी जो भी टर्म आप इकट्ठा कर रहे हैं उसको एक लाइन से एकदम इस तरीके से ढूंढेंगे। जैसे कि मुझे जेड लेना है तो मुझे साफ साफ यहाँ पे जेड दिख रहा है लास्ट में, लेकिन मैं उसको नहीं लूँगा, मैं लाइन से जो रूल है हमारा, ताकि हमारा कभी भी कन्फ्यूजन ना हो और कभी भी छोटी सी मिस्टेक ना हो, तो इसलिए हम स्टार्टिंग वाला नंबर लेंगे 4z। उसके बाद देखते हैं कौन सा जेड है, तो यहाँ पे है माइनस 8z, और फिर लास्ट में हमारे पास माइनस 3z। तो ये आपने कलेक्ट कर लिया सभी लाइक टर्म को, तो आप एक तरह लिख भी सकते हैं छोटा सा स्टेटमेंट साइड में कि फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, ठीक है। और उसके बाद अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जैसे आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया, एक्स वाले नंबर से पूरे एक्स वाले सॉल्व होंगे और बाकी दूसरे वाले में आपको नहीं जाना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ एक्स है और माइनस 2x है, तो एक्स में से हम 2x माइनस कर देंगे,
होगा क्या? नहीं हो सकता। तो हम 2x में से x माइनस करेंगे तो 1x हमारा आंसर रहेगा, और ये बड़े वाले नंबर जो माइनस में है इसलिए -1x हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा इंटीजर में कि जो नंबर बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है आखिर में। उसके बाद है +5x। ठीक, उसी तरीके से हम इधर भी एक स्टेप कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे 3y में से y माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो y लिखा है इसका मतलब ये 1y है। ठीक, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 2y, लेकिन बड़े नंबर में फिर से माइनस साइन है तो -2y हम लिखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, और उसके अलावा भी -2y हमारे पास है ही। उसी तरीके से z वाले में कर लेते हैं, 4 में से 8 माइनस हो नहीं सकता है, 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4z आ जाएगा हमारा आंसर, और बड़े वाले नंबर में हमारे पास माइनस का साइन है तो साइन यहाँ पे भी माइनस का लग जाएगा, और लास्ट में -3z तो है ही हमारा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, तो 5 में से 1 माइनस होगा हमारा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 माइनस हो तो कितना होगा, 4 होगा, और ये एक्स हम लिख देंगे। बड़े नंबर में जो प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा। -2y, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, 2 and 2 4y, लेकिन यहाँ पे साइन हमारे पास माइनस का ही रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास -4z और -3z, तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 7z हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से बड़े नंबर में माइनस साइन है तो साइन माइनस का ही रहेगा। जब कभी भी दो नंबर माइनस के साइन में रहते हैं ना, तो हमारा जो आंसर होता है चाहे सब्ट्रैक्शन वाला हो या फिर एडिशन वाला हो, वो आंसर में हम क्या लिखते हैं, माइनस का ही साइन लिखते हैं। ठीक, तो यही आपका लास्ट अब आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको कुछ सॉल्व नहीं करना क्योंकि अब ये देखो एक्स है, ये वाई और ये जेड है, समझ में आ रहा है बात? तो अब हम एक्स वाई और जेड को आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एक्स ही रहता केवल यहाँ पे, कुछ और नंबर भी रहते है ना, यहाँ पे एक्स ये जैसे 4y है, ये भी 4x रहता, ये 7x रहता, तब हम आपस में उनको सॉल्व प्लस या माइनस करते। बट यहाँ पे हमारे पास ये y है और ये z है, तो मैंने आपको शुरू में समझाया था एप्पल में से जिस तरीके से बनाना माइनस नहीं हो सकता, उसी तरीके से x में से y माइनस नहीं हो सकता, y में से z माइनस नहीं हो सकता, तो यही हमारा लास्ट आंसर कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़े से और डिफिकल्ट टाइप से क्वेश्चन जो है उनको लिया जाए। अब यहाँ पर जो हमने 5 पढ़ा उसी के तरीके से सेम 6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर है, तो जैसे मैंने आपको 4 में बताया था एक्स स्क्वायर और एक्स से कोई मतलब नहीं है, सेम वही चीज़ रहता है। बस यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर में से आप एक्स स्क्वायर वाले नंबर को प्लस माइनस कीजिएगा, 7 वाले में भी सेम ऐसे ही होगा। हाँ, यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये चीज़ ज़रूर दे दिया गया है कि ये नंबर एक्स में है और ये नंबर एक्स के स्क्वायर में है, तो ये भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे। इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर नॉर्मल एक्स है और एक्स का स्क्वायर है तो प्लस माइनस में ये आपस में सॉल्व नहीं होता। आप आगे मल्टीप्लाई में करेंगे इसको सॉल्व, तो मल्टीप्लाई का भी आप ध्यान ना दें, यहाँ पे प्लस माइनस में आप जरूर ध्यान दें कि अगर नॉर्मल एक्स है और एक्स का स्क्वायर है तो ये भी आपस में नहीं होगा। यहाँ आप एक्स वाले नंबर से ही एक्स वाले नंबर को करेंगे और एक्स स्क्वायर वाले से ही एक्स के स्क्वायर वाले को करेंगे। उस तरीके से 8, 9 और 10 सभी नंबर्स में हमारे पास ये तीनों हमें फ्रैक्शन वाला बना करके दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे ये वाला आपके लिए लग रहा है क्योंकि इसमें एक्स का क्यूब भी है, एक्स का स्क्वायर भी है और नॉर्मल एक्स भी कहीं पे मुझे दिख रहा था ये वाला है, फिर सीधा सीधा नंबर भी दिया हुआ है। तो मैं अगर 10 वाला आपको समझा देता हूँ तो 8 और 9 आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन तीनों में से यही है। तो चलिए मैं आपको 10 वाला ही समझा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इतना बड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें कॉमा दिया है यानी कि इस नंबर में ये वाला हमें ऐड करना है और ये ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे बीच में कॉमा दिया हुआ है तो हम कॉमा की जगह में प्लस का साइन लगा लेंगे। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस का साइन नहीं लगाते हैं तो भी काम बन जाएगा क्योंकि हमको पता ही है यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएंगे तो प्लस और माइनस क्या है हमारे पास, माइनस ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्लस लगा करके एक स्टेप नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फालतू में स्टेप बढ़ाने से और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्ट जानते ही हैं कि प्लस और माइनस लास्ट में हमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का साइन लगाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी अगर हम प्लस लगाते हैं तो बाद में माइनस ही है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे भी माइनस का ही साइन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे इसे, मैंने कॉमा तो हटाना ही है लेकिन इस बार हम प्लस करके नहीं लिखेंगे, हम माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमारे पास बाद में माइनस है। तो 3/2x का क्यूब माइनस 1/4x स्क्वायर प्लस 5/3, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 5/4x का क्यूब प्लस 3/5x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/5, फिर से ये माइनस साइन रख लेते हैं हम, x का स्क्वायर प्लस 3/8x और फिर माइनस में हमारे पास है 8/15। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, फिर से उसी तरीके से लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेना है। तो x का क्यूब जो है
उसे हम सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद एक्स के स्क्वायर को लिखेंगे और लास्ट में एक्स को लिखेंगे, ठीक है। जब कभी भी क्यूब वाला रहता है या स्क्वायर वाला रहता है तो उसको पहले लिखा जाता है और उसके बाद सिंगल वाले नंबर को लिखा जाता है, सिंगल वाले एक्स वाई जेड को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स से क्यूब वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, 3/2 x³। उसके बाद कौन सा एक्स का क्यूब हमारे पास, ये वाला है माइनस में, तो -5/4 x³। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, कोई सा है क्या, नहीं है कोई भी, अब एक्स का क्यूब नहीं है, तो अब एक्स स्क्वायर में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस में, तो -1/4 x² उसी तरीके से और कहीं पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे है +3/5 x² और एक यहाँ पे है एक्स का स्क्वायर, तो -x², ठीक है। अब हम लेते हैं नॉर्मल एक्स वाले नंबर्स को, देखिए कहीं पे है क्या, ये एक यहाँ पे है नॉर्मल एक्स वाला नंबर और फिर एक यहाँ पे है, बस दो ही एक्स वाले नंबर्स हैं क्या, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना, जी बिल्कुल सही लिखा है, केवल दो ही एक्स वाले नंबर्स हैं, बस एक्स स्क्वायर वाले हमारे पास तीन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास एक्स वाले नंबर्स हैं, यानी कि -x और फिर ये हमारे पास +3/8 x, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि नॉर्मल नंबर्स भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि 5/3 नंबर दिया हुआ है बिना एक्स वाई जेड के, यहाँ 1/5 दिया हुआ है, यहाँ पे -8/15 दिया हुआ है, तो इनको भी हम ले लेते हैं। तो +5/3 है हमारे पास, फिर उसके बाद +1/5 है हमारे पास और फिर -8/15 है। तो इस तरीके से आपको पूरे लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद फिर जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर देना है, जैसे आपको सॉल्व करना मैंने सिखाया। यहाँ पे हमें अब माइनस करना है, तो हम क्या करते हैं जानते ही हैं कि हमको एलसीएम लेना पड़ता है, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, जाहिर सी बात है 4 ही होगा, तो हम नीचे में लिख लेंगे एक बार यहाँ पे 4। अब ऊपर देखते हैं क्या होगा, तो ये 4 इस 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, और उस 2 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, यानी कि 6x³ हम यहाँ पे लिखेंगे। उस तरीके से ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन लगा दें आप यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे ना तो एक तरीके से इसको आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में कर लें और बाहर में x³ एक साथ लिख दें, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे x³ हम क्या करेंगे, अंदर ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी लगता है मुझे और थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी होगा। कई बार आपके टीचर्स अगर इस तरीके से भी करते हैं तो वो गलत नहीं रहेगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम इसको इस तरीके से 6 और यहाँ पे भी ये 5 वाला जो आंसर आएगा वो लिखेंगे और ब्रैकेट में करके x³ को बाहर भी लिखा जा सकता है, वो भी बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। उसके बाद फिर ये भी x² वाला है, क्यूब वाला है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 से हमारा 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा आंसर, 1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x³ हो जाएगा। अब ये वाला तो हमारा स्क्वायर वाला है, तो अब इसमें हम इतना ही करेंगे, स्क्वायर वाला अब हमारा स्क्वायर रूट के साथ ही होगा, समझ में आ गया बात। तो इतना ये हो गया हमारा, माइनस का साइन है, साइन माइनस का लगा देते हैं हम यहाँ पे, और ये अब इस तरीके से आप लगा दें नीचे डिवाइड का साइन, ये 5 4 है यहाँ पे, ये 5 है और नीचे में यहाँ पे कितना है, x² के नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो 5 4 है ना, इन दोनों और ये 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 अलग अलग नंबर्स होते हैं, इनका टेबल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम निकाल कर भी देख सकते हो, इसका एलसीएम 20 आएगा। तो अगर आपने मेरे ट्रिक्स वाले एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ा होगा मुझसे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका डायरेक्ट एलसीएम मैंने 20 कैसे बताया आपको। तो इनका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, तो नीचे में हम लिख देते हैं 20। आप एलसीएम अगर फाइंड भी कर रहे हो, आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा ना, तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करके नहीं दिखाओगे, उसे आप रफ में फाइंड करोगे पीछे साइड, ठीक है। तो 20 हो गया, 20 से 4 डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा और उस 5 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x² रह जाएगा। उसके बाद 20 का 5 से हम मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन जरूर लगा लें, 20 का इस 5 से मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो सॉरी डिवाइड होगा, तो 4 आ जाएगा आंसर, और 4 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और ये x². उस तरीके से 20 का नीचे यहाँ 1 से डिवाइड होगा तो 20 ही रहेगा, और जो आंसर 20 आया है अब उसका ऊपर यहाँ पर देखो कितना है, ये x² इसका मतलब यहाँ पे 1x² है, तो 20 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 ही आ जाएगा हमारा, तो माइनस साइन है तो माइनस और ये 20x² हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, फिर इधर भी आपको उसी तरीके से करना है, और एक ही साथ सबके एलसीएम ले लें ताकि आपको आसानी हो और टाइम भी थोड़ा सा आपका बच सके, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न होता है ना आपको, तो आप फिर एक एक स्टेप कर सकते हैं, यानी पहले इसको सॉल्व कर ले उसके बाद एलसीएम ले, फिर इसको सॉल्व करें फिर बाद में एलसीएम ले, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक्स वाले में कौन कौन सा नंबर है, एक ये है और एक ये है, इसके नीचे एक 1 है, यानी कि 8 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस साइन जरूर लगा लेंगे, 8 से नीचे वाला 1 डिवाइड होगा तो 8 ही आएगा आंसर, और फिर इस 1 जो आंसर 8 आया है उसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा हमारा, यानी कि 8x हो जाएगा, ठीक। प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा देंगे, 8 का 8 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा आंसर, और उस 1 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा,
देखिए ये बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अगर फ्रैक्शन पढ़ा है अच्छे से, है ना, तो फिर ये सब कुछ नहीं है। बस यही है कि बस बार बार आपको प्लस करना पड़ा है, वहाँ पे थोड़ा सा प्लस करना पड़ता था, यहाँ पे ज़्यादा प्लस करना पड़ रहा है, और कुछ थोड़ी है। बाकी एक्स वाई जेड तो हम वही बस उतार रहे हैं, और कुछ थोड़ी उनका कर रहे हैं। बस ये काम हमने किया कि उनको अलग अलग कर लिया, जो एक्स क्यूब थे उनको इकट्ठा कर लिया, तो इससे थोड़ा सुंदर भी दिख रहा है अब, है ना। ये तो पूरा खिचड़ी बना हुआ दिख रहा था इकट्ठा होकर के, तो अब ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और इसी तरीके से आपको एक एक स्टेप करके सॉल्व करना है। अब नंबर्स वाले में आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे नीचे में कितना है, 3, 5 और 15। तो 3, 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 15 होता है। तो इसका पूरा जो हमारा होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 15 हो जाएगा। तो हम नीचे में लिख लेंगे यहाँ पे, ये प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा करके, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 तक ही केवल ये डिवाइड का साइन लगाया था, एक्स में नहीं लगाया था, तो वो थोड़ा सा आपका गलत हो सकता है अगर बारीकी से चेक किया जाएगा तो पूरे नंबर्स के नीचे में आप इस तरीके से डिवाइड का साइन जरूर लगाएं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा एलसीएम नीचे में, ठीक है। अब ये पर ये 15 से ये 3 डिवाइड हुआ, तो कितना आएगा आंसर, 3 से 15 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और उस 5 के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। प्लस का साइन, प्लस का साइन लगा देते हैं, 15 को 5 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा आंसर, और 3 1 जा हो जाएगा हमारा 3। माइनस साइन है, माइनस साइन लगा देते हैं, 15 1 जा 15 हो जाएगा, यानी 1 आएगा आंसर, और उसके बाद 1 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही आ जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने सबसे पहले सबका एलसीएम लेकर के आपस में उसके न्यूमरेटर को इक्वल कर लिया है एक तरह से। अब हम आते हैं सॉल्व करने में, और इसके बाद आपका आंसर रेडी है। बस मेन काम जो था ना यहीं पे था, अब आपको बहुत ही ईजिली आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। 6x³ में से 5x³ माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 1x³ आ जाएगा, जिससे हम केवल एक्स का क्यूब भी लिख सकते हैं। आप इसको 1x का भी क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में हमारे पास 4 है, माइनस का साइन है, तो माइनस देखो अभी क्या हो रहा है, ये माइनस इसके लिए है, ठीक है ना, ये नहीं कि ये माइनस इन सभी के लिए, ये केवल इसके साथ है, ये दोनों प्लस में और ये माइनस में है। तो यहाँ पर आप क्या करो ना, कि आप इसको डायरेक्टली एक ही टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे कि ये माइनस है और ये हमारा प्लस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो इसे आप अपने माइंड में रखना कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, -25 है, और उसके बाद +12 है, तो -25 और +12 कितना होता है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो -25 और +12 हमारा 25 में से 12 माइनस कर देंगे हम, तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। समझ में आया बात, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 डायरेक्ट, और बड़े वाले नंबर 25 में माइनस साइन था, तो -13x² / 20। अगर आपको एक बार में ना हो रहा हो तो आप इसी चीज़ को रफ में कर लो डायरेक्ट, समझ में आया, या फिर अगर यहीं पे आपको करना है तो एक एक स्टेप कर लो, यानी कि -5x² + 12x², तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7x² जो कि प्लस में रहेगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर प्लस में था। उसके बाद फिर अगला स्टेप लेना, वहाँ पे फिर माइनस जो +7² है और -20x² है उसको सॉल्व करना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक लाइन और को एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, इसलिए आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि बस नंबर्स को ही तो हमें ऑपरेशन करना है, यहाँ पे 5, 12 और 20 को ही करना है, माइनस और प्लस हैं, तो इसको आप दिमाग में कर लें, क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हो गए हैं, या फिर पीछे साइड रफ में कर लें, दोनों आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। बट लेकिन डायरेक्ट ही करें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। उसके बाद अगला इधर देखते हैं, -8x है, +3x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5x, ठीक है ना, 8 में से 3 माइनस होगा तो 5x आएगा। बड़े नंबर में माइनस साइन था तो इसमें भी माइनस का साइन लगेगा, और नीचे में हमारे पास 8 है ही। उस तरीके से यहाँ भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 25 में से हम 3 ऐड कर लेते हैं, 25 और 3 हमारा हो जाएगा 28, और 28 में से हम 8 माइनस कर देंगे, तो 28 में से 8 माइनस हुआ तो कितना गया हमारा आंसर, 20, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 20, और बड़े नंबर में प्लस का साइन है तो साइन प्लस का ही रहेगा, यानी कि +20/15 इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, अगर कुछ कट रहा होगा तो कट कर लेंगे, तो यहाँ तो इन दोनों में से कुछ कट हो नहीं रहा है, तो यही इसका आंसर रहेगा, यहाँ भी कट नहीं हो रहा है, यहाँ 5 और 8 भी कट नहीं होंगे, ये 20 और 15 5 के टेबल में आते हैं तो ये 5 से कट हो जाएंगे, तो हम कट कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यानी कि हमारे पास बच जाएगा 1/4x³। इसको देखो आप साथ में ऊपर में लिखो न्यूमरेटर में, या फिर अलग से लिखो, बात एक ही है, समझ में आया ना, तो आप जहाँ पे लिखना चाहो वहाँ पे लिख लो, लेकिन जब लास्ट में आंसर लिखते हैं हम ना, तो इस तरीके से लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर -13/20x² - 5/8x, और ये फिर +4/3, ये इसका लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन नंबर्स को सॉल्व करना है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे मैंने आपको एडिशन समझाया है, वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन है, लेकिन वो भी सेम इसी तरीके से ही बनेगा, ठीक है, तो उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।